हाँ, मैं अभिनव मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में उन अभ्यर्थियों को हम प्रशिक्षण देते हैं जो ड्राइविंग भर्तियाँ देखते हैं। अभी हमारे पास DSSB, दिल्ली पुलिस व हाई कोर्ट के जो हमारे पास सॉरी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो हमारे पास यहाँ टेस्ट चल रहा है, इसमें बच्चों का आजकल हर भर्तियों के अंदर में थ्योरी टेस्ट लेने लग गए। वाहनों से संबंधित, वाहनों के बारे में मौखिक जानकारी वो इसलिए लेते हैं कि एक चालक की ये दायित्व एक ड्यूटी बनता है कि वो फौज के हिसाब से कि वो यदि गाड़ी खराब हो जाती है या गाड़ी किसी असहायक रूप से बंद हो जाती है तो वो उसको अपने कैंप या ड्यूटी पैलेस तक उस चीज़ को लेके आ जाए ताकि उसकी मोटी मोटी फॉल्ट वो खुद ठीक कर सके और उसको पता हो कि गाड़ी के कौन से पार्ट में ये प्रॉब्लम है और वो ताकि अपने फिटर से कम समय में और उस व्हीकल्स को ड्यूटी के लिए काम में लेने के लिए जल्दी से उसको इस्तेमाल किया जा सके। तो ये चीज़ों के बारे में उनको बेसिकली पूछते हैं। अभी मैं जो है बच्चे को बुलाता हूँ और वो बताएगा। ये दो नंबर चेस्ट नंबर दो, इधर लाइन बैन। कहाँ से आए हैं? पटना से। पटना बिहार से आए हैं आप। मेरे को बताइए कि रात के समय में जो हेडलाइट होती है उस हेडलाइट को कौन से बीम में चलाना चाहिए? लो बीम में चलाना। लो बीम में क्यों चलाना चाहिए? क्योंकि आगे से आ रही कोई भी गाड़ी का उस अगर हाई बीम में चलाएंगे देखो तो उसे नहीं दिखेगा। वेरी गुड। लो बीम अच्छा। में चलाएंगे तो उसको दिखाई देगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। जो हम ड्राइव करते हैं, ड्राइव करते समय जो हेडलाइट होती है सामने, उसके भी दो प्रकार के बीम होते हैं, एक लो बीम और एक हाई बीम। ये सब चीज़ें आपको बेसिकली पूछते हैं। लो बीम में गाड़ी इसलिए चलाना चाहिए कि रात्रि को जब हम ड्राइव करते हैं तो जो सामने वाला वाहन जो आता है उस वाहन के ऊपर लाइट न पड़े और उसको सामने का उसका टारगेट या सामने का क्षेत्र जिसमें उसको जो है गाड़ी को ड्राइव करना है वो उसको साफ साफ दिखाई दे। इसलिए हमेशा गाड़ी कौन से बीम में चलानी चाहिए? लो बीम में। लो बीम में गाड़ी चलानी चाहिए। आप इसको पकड़िए। आप मेरे को बताइए इसका जो पंप होता है, पंप कहाँ है? इसका पंप यहाँ है सर। हाँ, ये पंप है। और इसका पंप का क्या काम है? पंप का काम है डीजल को देना। यानी पंप का काम है डीजल की सप्लाई किसको देना? इंजन को देना। और डीजल स्टोरेज कहाँ होता है? डीजल स्टोरेज डीजल टैंकी में। डीजल टैंक या फ्यूल टैंक के अंदर जो है डीजल स्टोरेज होता है। इसके अंदर जो बैटरी है वो कितने वोल्ट की बैटरी आती है? ये 12 वोल्ट की बैटरी आती है। 12 वोल्ट की बैटरी। चलो वेरी गुड, बहुत अच्छा शाबाश। इसके अंदर अल्टीनेटर कहाँ है? अल्टीनेटर यहाँ सर। अल्टीनेटर का क्या काम है? अल्टीनेटर का यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी बैटरी को चार्ज करता है और आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित। इसका सर्वे कहाँ है? सर्वे का क्या काम है? ये ब्रेक प्रेशर बनाना। ब्रेक का प्रेशर बनाता है गाड़ी को रोकने के लिए, प्रेशर बनाता है। वेरी गुड, सवाल बहुत अच्छा।